हेलो हेलो
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. اور اسی طرح وكذلك اور اسی طرح بعثناهم ہم نے انہیں اٹھایا جگایا، کس طرح؟ جس طرح ہم نے سلایا تھا اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. ہمارا انہیں سلانا بھی نعمت ہے اور ہمارا انہیں صحیح سلامت اٹھانا بھی ان کے لیے نعمت ہے. یہ نعمت اس طرح کہ تین سو نو سال سوئے ہیں اور ان کا جسم بالکل صحیح سالم، ورنہ اتنی طویل دیر تک کوئی بستر میں ہو تو یقیناً اس کا جو جسم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ سوالات کریں آپس میں. اٹھایا ہم نے تاکہ سوالات کریں آپس میں، اب وہ سوالات ہوئے. یہ یتساءلوا، یہ یتساءلون کون سا باب ہے؟ یہ کس باب میں سے ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی کا کون سا باب ہے؟ یہ تساءل یتساءلوا تزارب یتزاربوا، اس کو کہتے ہیں باب تفاعل، باب تفاعل. ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں. پانچ ایسے ابواب ہیں جو حمزہ وصلی کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے، ایک ہے باب افعال اکرم یکرم اکرام، ایک ہے باب تفعیل صرف یصرف التصریف، ایک ہے باب مفاعلہ جیسے زارب یزارب قاتل یقاتل، ایک ہے تفاعل جیسے تزارب یتزارب تقاتل یتقاتل تقاتلا، ایک ہے تفاعل
तसर्रफ या तसर्रफ। बकिया जो सात अबवाब हैं वो हमजा वसली के साथ इस्तेमाल होते हैं, इजतनबा, इक्तसबा, इनसरफा, इनफतरा जो है इस तरह के कोई बार सात अबवाब बन गए। टोटल ये मजीद फी के 12 अबवाब हैं और सुलासी मुजर्रद के 6 हैं। फिर रुबाई मुजर्रद का 1 है, रुबाई मजीद फी के 4 अबवाब हैं। तो ये टोटल ये इन अबवाब पर सरफ में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो सुलासी मजीद फी के 12, रुबाई मुजर्रद के 4, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी के कितने हो गए ये 16, 16 और सुलासी मुजर्रद के 6, 22 अबवाब। इन अबवाब में से एक एक बाब को आप याद कर लें और उसकी फहरिस्त आपको अबवाब सरफ में मिलेगी, उसमें तरतीब यही है, पहले सुलासी मुजर्रद, फिर सुलासी मजीद फी, फिर रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। तो आपको सिर्फ एक एक बाब अगर याद हो गया ना तो तकरीबन अब यूं समझें कि बस अगर कोई मादा चेंज हुआ, कोई बाब चेंज हुआ तो वजन वही होगा, वजन वही होगा, गिरदान एक आ गई तो बाकी सब की सब आ जाती है बंदे को। इससे क्या होता है, सीगे की पहचान आसान हो जाती है कि ये सीगा कौन सा है, मजदर है, इसम फाइल है, माजी है, मुजारे है, तर्जमा भी उसी तरह होता है। और ये फिर अबवाब का माना भी चेंज होता है, अबवाब सरफ, ठीक है, अबवाब का नाम भी चेंज होता है, माना भी चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुलासी मुजर्रद में कुछ और था, सुलासी मजीद में कुछ और हो जाएगा, सलबे माखज इसको कहते हैं, पहले आप कुछ ले रहे थे अब देना पड़ेगा, इस तरह के माना है। अब जो ये हमने ये पढ़ा है तजारबा या तजारबू, नहीं ये कवायद सरफ, वो है अबवाब सरफ। एक है कवायद सरफ, इसमें सरफ के कवानीन है, ये किताब सरफ है, वो है अबवाब सरफ, नहीं उसमें सिर्फ अबवाब है, इसमें तो उनके कवायद लिखे गए ना सरफ के, अबवाब सरफ में, किताब सरफ में, कवायद सरफ में सरफ के कवानीन है, उस अबवाब सरफ में सिर्फ अबवाब है, सिर्फ बाब है। बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है मामला अगर आपको एक एक गिरदान याद हो गई, एक एक गिरदान, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा बादाम खाने पड़ेंगे आपको, दूध पीना पड़ेगा आपको, लेकिन ये कि आप तैयार हो जाएंगे, है हाँ बच्चा बनना पड़ेगा, लेकिन ये कि इसकी इसके लिए एक मिसाल भी दी जाती है, मुनासिब नहीं है मैं दूं, हम आगे बढ़ते हैं बिना मिसाल के, कह दी कहते हैं ना नहव और सरफ के लिए, कवानीन के लिए बादशाह का दिमाग चाहिए सोचो विचार वाला, और अबवाब सरफ के लिए कुत्ते वाला चाहिए, बताया था ना, मतलब वो क्या करता है बिना सोचे भोंगना शुरू कर देता है। तो अबवाब सरफ में क्या होता है, अबवाब सरफ में आपने बस शुरू हो जाना है और आपका सांस रुके और इधर से सरफ सगीर खत्म हो चुकी हो, बहुत ही यानी जिसको सरफ अच्छे तरीके से याद हो उसकी पहचान ये होती है कि उसका अबवाब अच्छे तरीके से याद होते हैं। अब मैंने अभी नाम बता दिया आपके आने से पहले, पूछ लीजिएगा उनसे। जैसे मिसाल के तौर पर जरा बाय मिसाल देता हूं मैं, तो आप जरा बाय याद होगा तो आप यूं पढ़ेंगे जरा बाय यदरिबु जरबन फ वजरिबन वजरिबु यदरिबु दरबन फदा का मदरूबन लम यदरिब लम यदरिब ला यदरिब ला यदरिब ला यदरिब ला यदरिब अलम नु यदरिब लि तुजरब लि यदरिब लि यदरिब वन्ना यु ला तजरिब ला तुजरब ला यदरिब ला यदरिब। ये खुलासा है कि आपके सामने रखना, इस तरह अगर आपको याद हो गया ना एक एक बाप बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपका, है ये 22 है टोटल जो मैंने अबवाब जो आपको याद करना है जी, एक के आप 6 सफे एक के, लेकिन अगर आप हर एक की सरफे सगीर भी याद कर लें ना हर एक की, तो एक आपके पास एक बुनियाद आ जाएगी, उसकी एक बुनियाद आपके पास आ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप समझे कि बैठे बैठाए वो गोश्त पक कर आपके सामने आ जाए और आप सिर्फ खाने की हिम्मत करें तो ऐसा नहीं है, कहते हैं ना इसको पापड़ बेलने पड़ते हैं जी। अब देखिए इसमें खूबसूरती है मानी के अंदर भी, अब जब तफाउल में आएंगे तो इसका मतलब होता है बाहम मुकाबला एक दूसरे से, जैसे तसा आला इसका माना एक दूसरे से सवालात करना, और साला का माना क्या होता है सवाल करना, लेकिन अगर आप तकाबुल का माना लेंगे तो बाबे तफाउल में ले आए उसको तसा आला एक दूसरे से सवाल करना,
और जो बाबे तफाउल है इसमें तकल्लुफ का माना होता है, जैसे तमर्रादा, तमर्रादा का माना क्या होता है, मरीज होने की एक्टिंग करना, ठीक है। किसमें तफाउल, अलिफ है, तफाउल अलिफ निकाल देंगे अलग बाब है, अलिफ डालेंगे तो अलग बाब है ये। तो एक दूसरे से सवालात के लिए अल्लाह ने उठा दिया, और अल्लाह ताला ने इसमें एक और बात जिक्र फरमा दी, हमने उनको उठाया है ना, तो बिल्कुल इसी तरह हम मरने के बाद भी उठाएंगे। जिस तरह जिंदगी में हमने मार कर उठाया और हमारी कुदरत देख ली तुमने, एक वक्त ऐसा आएगा इंसान खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, फिर हम दोबारा उठाने पर हम कादिर हैं। ये मिसालें कुरान में अल्लाह ने कई जगह दी हैं, ऐसे वाक्यात हमारे सामने रखे हैं। قال قائل منهم, कहने वाले ने कहा उनमें से, ये قائل क्या है, ये فاعل के वजन पर है, तो क्या कौन सा सीगा हुआ ये, एक तो इसके मरफू होने की वजह बताएं, दूसरा فاعل का वजन किसका वजन है, ये इसम فاعل, बेहतरीन, ये इसम فاعل है। सरफ सगीर में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा फाइलुन, इसके वजन पर जितने भी सी गएंगे उसको इसम फाइल कहेंगे, मसलन कातिलुन, नासिरुन, जारिबुन, आकिलुन, जाहिबुन, शारिबुन, नाइमुन, जाहिबुन, जितने अल्फाज पढ़ेंगे इसम फाइल, इसम फाइल। सुलासी मुजर्रद का वजन है ये। और अगर आप मफूल उनके वजन पर ले आए, जितने भी असमा अरब के अंदर मफूल उनके वजन पर आएंगे, सुलासी मुजर्रद में ये वजन किसका है, इसे मफूल का, मजरूबुन, मकतूलुन, मंसूरुन, मअकूलुन, मशरूबुन, ठीक है, मंसूरुन। सुलासी मजीफी में चले जाएंगे तो इसम फाइल और इसम मफूल का वजन और है, सुलासी मुजर्रद का वजन ये। तो ये हो गया जी आपका इसम फाइल। अब रफा की वजह क्या है, ये काइलुन इस पर पेश क्यों आ गई है, बड़ी आसान बात है, ये फाइल है किसका, काला का, काला का फाइल है। और अब देखें कि काला का जो फाइल है ना, काला का जो फाइल है काइलुन, वो फाइल भी और इसम फाइल भी है, इसम फाइल भी और फाइल भी है। इसलिए आपको मैंने ये बताया था नहफ के अंदर जो चीजें आपके गिरफ्त में होनी चाहिए वो बुनियादी तौर पर इसम मोरब की अकसाम है, कुल 12 इसम मोरब की जिन पर एराब आता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, आपके दिमाग में आ जाए इसम मोरब की कौन सी किस्म है, तो ये आपके जहन में आ जाएगा, ये इसम मोरब की किस्म है, इसम मुफरत। वाहिद तस्निया जमा क्या है, ये क्या है, ये वाहिद है, तस्निया जमा है, वाहिद वाहिद है, तो वाहिद को क्या कहते हैं, इसम मुफरत, ठीक। अच्छा, इस 12 किस्मों में से ये एक किस्म है। इसी तरह फिर दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि वो जो जो 12 इसम मोरब हैं उनका वजह एराब, आप या तो उसको रफा पढ़ेंगे या नसब या जर। अगर आप उस पर रफा पढ़ेंगे तो मरफुआत की 8 किस्में, उनमें से कौन सी किस्म है ये, तो वो मरफुआत आपकी आपकी आंखों के सामने आ जाए और वहां देख रहे हो आप ये कौन सी है, आपके दिमाग में आनी चाहिए ना, जैसे आप कंप्यूटर में सर्च करते हैं, कंप्यूटर तलाश करके देता है, तो स्क्रीन आपकी आंखों की स्क्रीन के सामने वो चल रहे हो 8 मरफूआत। अच्छा, ये कब चलेंगे जी, जब वो उसकी यूएसबी में डले हुए हो ना, मेमोरी कार्ड में हो तो आएगा, वरना कंप्यूटर क्या बोलता है, जो आपने सर्च किया वो नहीं है, क्यों नहीं है, वो डेटा मौजूद नहीं होता उसमें। यहां जो डेटा होगा ना अंदर होगा, तो आपका जो सेंसर है ना उसको आपके सामने लेगा स्क्रीन पर। फिर आप अगर आप देखा ये रफा नहीं है, इस पर नसब है, तो अब आपको क्या करना है, मंसूबात की फहरिस्त आपके सामने आ जानी चाहिए, और वो 12 है, इनमें से कौन सा है ये। अगर वो मजरूर है तो मजरूर की फहरिस्त आपके सामने आ जानी चाहिए, यही तो नाव है, ये नाव है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम इतना कर लें, मरफूआत का नाम लिख लें,
जैसे मैंने भी अपने सुबह के जो महाद में पढ़ाता हूँ वहां मैंने तलबा को ये काम दिया था, जब मरफूआत मनसूबात मजरूआत पढ़ा लिया तो मैंने उनको कहा कुरान से इन मरफूआत की एक एक मिसाल ढूंढ के लाए। फिर उन्होंने एक पूरा चार्ट बनाकर दिखाया मुझे। मैंने कहा मनसूबात की एक एक मिसाल ढूंढ के लाए कुरान से, वो ढूंढ कर लाए। तो इस तरह एक खाका तैयार हो गया। तो अब ये उसको याद करना भी आसान है, फिर कुरान पर तत्बीक भी आसान हो गई। इसी से नाव याद होगी आपको। आप अपनी उस नाव को जो आप याद कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें कुरान पर, यानी पढ़ते हुए आप देखें यार इस पर रफा क्यों आ रहा है। तो जब तक आप वजह तलाश कर ना कर ले आगे ना बढ़े। नसब क्यों आ रहा है? नसब अच्छा समझ में नहीं आया तो किसी से पूछ लें नसब की क्या वजह। इस तरह की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको नहफ याद हो जाएगी। काश अगर कोई ऐसी सूरत होती गिलास में घोल कर डाल कर पीने की तो मैं आपको बता देता, लेकिन वो नहीं है। वापस आ जाए तर्जमे की तरफ। कहने वाले ने उनमें से कहा कम लबिस तुम, कम लबिस तुम, कितना अरसा ठहरे हो तुम। कम तो आपको पता है, कम की कितनी किस्में है? दो किस्में हैं। एक कम खबरिया होता है और एक कम इस्तिफामिया होता है। कम के जरिए कभी खबर दी जा रही होती है और कम के जरिए कभी सवाल किया जा रहा होता है। यहां क्या है? सवाल है। सरफ और नहव में क्या फर्क है? जैसे उस्ताद और तालिब इल्म में फर्क है। सरफ का ताल्लुक फेल के साथ है और नहव का ताल्लुक इसम के साथ है, ये फर्क है। ठीक है, सरफ का ताल्लुक किसके साथ है? नहव के, उसके फेल के साथ है। और नहव का ताल्लुक किसके साथ है? इसम के साथ। कालू तो उन्होंने कहा आपस में, लबिसना यौमन औ बाद यौम, हम एक दिन ठहरे हैं या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि जब सोए थे तो सुबह थी, जब उठ रहे हैं तो शाम है। तो उन्होंने कहा बस सुबह ही सोए थे अभी शाम है, दिन पूरा हुआ या दिन का कुछ हिस्सा हुआ है। सुभान अल्लाह। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया, जिनके डर से यहां आए थे अल्लाह ने उनके वजूद को खत्म कर दिया, नस्ल दर नस्ल खत्म कर दी है। अब तो शायद माशरे में इनको जानने वाला पहचानने वाला कोई ना हो। कालू रब्बुकुम, कहा उन्होंने, जब इत्तिफाक ना हो सका पता नहीं कितना सोए हैं, तो बिल आखिर उन्होंने कहा रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब ज्यादा जानता है तुम कितना ठहरे हो। तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कितना ठहरे हो। यहां लफ्ज आलमो इस्तेमाल किया जिसको हम क्या कहते हैं, तर्जमा नहीं पूछा मैंने, तर्जमा में नहीं पूछा मैंने आपसे, क्या पूछा? सीगा कौन सा है ये, इसको क्या कहते हैं? इसम, इसम तफजील। स्क्रीन लगी हुई है? हाँ लगी हुई, उधर भी देख लिया करें, वहां भी जवाब आता है। इसम तफजील है ये। आलमो बेमाना किस वजन पर? बबन अफालू। अच्छा ये भी आपको तब पता चलेगा जब आपको सरफे सगीर मालूम होगी, सरफे सगीर। अच्छा सरफे सगीर का मतलब ये होता है कोई भी बाब है उस बाब के एक एक सीगे को लेकर एक मुख्तसर सी सरफ यानी एक गिरदान तैयार कर ली जाती है। उसका हर लफ्ज ये बता रहा होता है कि इब्तदा मुझसे होगी, मैं तो एक सीगा हूं, पूरी आगे 14 सीगे हैं मेरे, दूसरा कह रहा था मेरे भी 14 सीगे हैं, उसका एक खुलासा जिक्र कर दिया जाता है, उसको सरफे कबीर कहते सगीर कहते हैं। सब आंसू आगे छोड़ो, कितनी देर ठहरे हो, असल मुद्दा की तरफ आओ। मुद्दा क्या है? सब आंसू अहदकुम, तुम में से किसी एक को भेजो, तुम में से किसी एक को भेजो। बेवारिकुम हादा हादी, अपने इस चांदी को देकर। वरिक किसको कहते हैं? चांदी को, चांदी को, अपनी इस चांदी को देकर जो तुम्हारे पास है किसी को भेजो। चांदी के सिक्के चलते थे, उसको करेंसी चांदी की होती थी, जिसको आज आज क्या कहते हैं चांदी की करेंसी को, आज
दिरम, दिरम है ना, और सोने के दिनार। आज तो जो दिरम और दिनार जिनको कह रहे हैं ना, वो सोना और चांदी नहीं है, कागजी है चीज। मतलब ये कि इसके इवज आपके पास सोना बैंक में, जैसे हमारे पाकिस्तान में लॉलीपॉप दी जाती है कि 10 रुपए का है बस, हामले हाजा के पास जो ये नोट है ना बैंक के पास, इसका सोना रखा हुआ इतना, अगर आप जाओ और जाकर बोले ये 1000 रुपए मेरा ये सोना दे दो, तो बोलेंगे अमेरिका से जाके ले ले, हमारे पास नहीं। हाँ, और मिलेगा नहीं आपको। जी वारिक इलल मदीना थी, शहर की तरफ। अल मदीना में अलिफ लाम जो है ना, इसको आधे खारजी कहते हैं, उस वक्त का मदीना मुराद है वहां पर, सियाको सिबाक से ये पता चल रहा है। वरना आज अगर उमूमी तौर पर गुफ्तगू करते हो अल मदीना कहेंगे, अल मदीना तो क्या मुराद होगा, मदीना तो रसूल, क्योंकि अब अल मदीना अलिफ लाम की वजह से तगलीबन अलम बन गया। कुछ चीजें ऐसी हैं अलिफ लाम के आने की वजह से वो अलमियत का मकाम पा गई हैं, उनमें से अल मदीना है। वैसे अलिफ लाम को निकाल दें मदीना कहें तो भी इतना जहन जाता है कि वहां से वही मुराद है, वरना मदीना से मुराद क्या होता है, कोई भी शहर। अगर आप पूछे ना आप कहां से आ रहे हो, तो आप बोले मैं मदीना से आ रहा हूं, यानी शहर से आ रहा हूं, लेकिन आम लोग क्या समझेंगे, मदीना गंजा नहीं करवाया आपने। फल यंदुर, उसे चाहिए कि वो देखे, अय्युहा अज़का तुआमन, कौन सा खाना ज्यादा पाकीजा है। उसे चाहिए कि गौर से देखे कौन सा खाना ज्यादा पाकीजा है। अज़का, अब फालो के वजन पर आ गया ना, इसम तफजील है, ज्यादा पाकीजा। तुआमन, इस पर जज़्म क्यों आई है, इस पर जबर क्यों आया। मफूल किसका, ये तआमन जो है अस्का की तमीज है, अस्का की तमीज है ये, अस्का ये इसम तफजील है, इसका माना क्या, ज्यादा पाकीजा। अब सवाल था ना ज्यादा पाकीजा क्या, तो आपने जब कहा तआमन, तो इस तमीज ने उस मुमय्यिज में मौजूद इमाम को खत्म कर दिया। इससे बेहतरीन सबक है, अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना, अहले तौहीद हैं, अहले ईमान हैं, तो आपकी खुराक हमेशा पाकीजा होनी चाहिए। अगर आप अल्लाह की इबादत और बंदगी का दावा करते हैं और रिस्क के पाक होने पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है, तो बेकार है आपकी इबादत। अल्लाह ने अपने अंबिया को हुक्म दिया, या योर रसुल कुलू मिन अत्तैयबात व अमलु सालिह, पहले खाना पाक करो उसके बाद अमल साले करो। क्यों, अमल साले अगर है लेकिन रिस्क के हलाल नहीं, तो बेकार हो गया। मुसनद अहमद की हदीस में, जिसके पेट में हराम माल का एक लुकमा चला गया, जब तक उसका असर मौजूद है अमल कबूल नहीं होगा। और बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं जो नेकियां कर रहे हैं लेकिन रिस्क हराम सुबह और शाम, यानी सूदखोरी में मुबतला है, बंदगी भी हो रही है और सूदखोरी भी। जबकि एक सूद का दिरम, एक सूद का दिरम, यानी सूद का एक दिरम, अगर कोई शख्स उसको इल्म है कि ये सूद का वो खाता है, तो हदीस में अल्फाज हैं 36 बार जिना करने से अल्लाह के नजदीक बड़ा जुर्म है। ये सूद खा रहे हैं को परवाह नहीं है, और हमें चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से ऐसा लॉलीपॉप दिया जाता है। बैंक में जाएं, गाड़ी आपके लिए तैयार है जी, ये लीजिए चाबी, आप गाड़ी ले जाएं, पेमेंट हम करेंगे बस। अच्छा, उसको इस्लामी रूप में ऐसा धार दिया जाता है कि ये मुजारबत है, ये तकाफुल है, और ये फुला है और ये फुला है, ये इस्लामी बैंककारी है, ये शरिया बैंक है, और ये मुसलमान बैंक है, ये ऐसे ही है जैसे आप शराब को बोले ये दूध पत्ती है, ऐसे ही है। फिर मोबाइल देखें, फंसा दिया ना, आपके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन आपके जहन में ये बात डाल दी हम कर्ज भी देते हैं, और आपने कॉल करनी थी जरूरी, और आपको पता चला बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आस पास आप उधार मंगवाएंगे, और जब उधार वापस करेंगे तो सूद समेत वापस करेंगे आप। हाँ,
आप ना भी ले ले बता रहे होते हमने पैसे दे दिए आपको, सूद है, सूद है। बहुत जुल्म है हमारे माशरे में, इसी वजह से वो जो एक इबादत में लज्जत आनी चाहिए वो नहीं आती। इंसान के अंदर जो तब्दीली है या बुलंदी है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उसका रिस्क 100% हलाल ना हो। मशकूक तो दूर की बात है, हदीस में यहां तक आता है कि रिस्क का मामला आ जाए तो फिर आप बामा यूरीबुक इलामा अला यूरीबुक, शक वाली चीज को छोड़कर यकीनी चीज की तरफ आए। हम क्या कहते हैं यार ठीक है हराम तो नहीं है ना, शक है तो हराम तो नहीं है ना, मशकूक चीज को इख्तियार करके बैठ जाते हैं। जैसे सिगरेट है, आम बात है, चालिया है, गुटखा है, निस्वार है, क्यों इस्तेमाल की जाती? कुरान और हदीस में इसकी हुर्मत दिखा दें आप, क्या क्यों मशकूक है, इसकी हुर्मत कौन सी है? तबाहु मात है। वैसे पता क्या बोलते हैं, इसको पीते हैं तो सुकून मिलता है और ना पिए तो चक्कर आते हैं। ये खाने का भी ऐसे ही है, एक दिन भूखे रहे ना आपको बादल नजर आएंगे। जिसमें आपको ये यकीन हो कि इसमें किसी चीज की मिलावट है, नशा वर, जैसे यहां से आप जा रहे हैं अजीजाबाद प्याला होटल में चाय पीने के लिए डिफेंस से, तो उसका मतलब है कि वहां प्याला होटल में प्याले में कुछ डाला जाता है तभी आप जा रहे हैं, वरना ऐसा कौन सा नशा है चाय में। तो ये एहतमाम हो रहा है किसका? रिस्क हलाल का। आगे चाय देखिए, फलियातिकुम बिरिस्क मिन, वो तुम्हारे पास उसमें से रिस्क लेके आए, किस में से? पाकीजा में से। वलयतलतफ, और वो नरमी इख्तियार करे। लतीफ किसको कहते हैं? बड़ा ही नरम मिजाज, बड़ी बारीक बीनी वाला, लताफत जिसमें बड़ी नरमी और नजाकत हो। वलयतलफत लतफ, उसे चाहिए कि क्या करे वो? नरमी बरते, बड़े ही नर्म अंदाज से रवैया अख्तियार करे। वल यतलतफ, इसमें देखिए कुरान करीम में बिल्कुल सेंटर में, इसका मतलब है कुरान करीम की सारी तालीमात का खुलासा यह है इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, अखलाक का ऐसा किरदार कि उसमें बड़ी तवाज़ो। आप ऊंचे हैं या नीचे हैं, आपकी कामयाबी की बुनियादी जो चीज है वो ये कि आपके अंदर अखलाक हसना का ये मामला हो, इंतहा दर्जे की आपके अंदर तवादो और इंकिसारी और नरमी हो। हदीस में मौजूद है ना, मन होरी मर रिफका फकद होरी मल खैर, जो नरमी से मारूम कर दिया गया वो हर चीज से मारूम हो गया, भलाई आती ही नरमी से। खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, फबीमा रहमति मिन अल्लाह लिंत लहुम वलो कुंत फज्जन गलीज अलकल्ब लनफज्जु मिन हौलिक, अल्लाह ने आपको बड़ा ही नरमी वाला बनाया है, अगर आपके अंदर सख्त मिजाजी होती या आपके इर्द गिर्द जो ये जमात है ना आपके करीब भी ना होती। तालिब इल्म के साथ तो हो सकती है, बाप अपनी औलाद के साथ भी कर सकता है, इसलिए कहते हैं ना कि अपने जो अदब के डंडे को जो है ना वो सर के ऊपर ही रखें, वरना अगर आपने डंडा फेंक दिया ना नतीजा क्या होगा, सवार हो जाएंगे। जैसे वो उमर रजी अल्लाह तआला ने सहाबा इकराम ने सख्तियां की ना खवातीन पर, तो सारी खवातीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने के उजरे में आ गई, शिकायतें की अपने शोरों की, वो बड़ी सख्तियां करते हैं, मारते हैं और ये है वो। नतीजा क्या हुआ? नबी इस्लाम ने मना कर दिया, कोई ना मारे। कुछ दिन गुजरे, अब बीवियां जो अकड़ना शुरू हो गई, उनको पता है कि मार तो सकते नहीं है, फिर शोर जमा हो गए, अल्लाह के रसूल आपने क्या कर दिया और ये हमारे सामने जुर्रत करने लग गई है। तो आपने फिर मामले को ये भी कहा कि मार, अगर मारने की जरूरत भी पड़ जाए तो बड़े एहतमाम के साथ, इस तरह कि किसी को खबर तक ना हो, आपका काम भी हो जाए और किसी को अगर शिकायत लगाना चाहे तो उसको पता ही ना चल सके कि मारा कहा है। ठीक है, इसको पंजाबी में कहते ना गुज्जी मार मारना, ठीक है। और वो अच्छा, मैंने वो बूढ़ा पीर में भी जुमा पढ़ाया ना इसी पर, शोहरों के हवाले से कि कामयाब शोहर कौन हो सकता है जब तक अल्लाह के रसूल की सीरत को इख्तियार ना कर ले, और वो बताया
तो एक बाबा जी आए मेरे पास कि आपने जो किया है ना इससे औरतें तो हम पर चढ़ जाएंगी, अब आप कीजिए थोड़ा सा अदल। वो अदल ये है कि आप इनके बारे में पढ़ाएं जुमा। मैंने ठीक है अगला मौका मिलेगा इनको भी सीधा कर दे, पहले आप सीधे हो गए ना तो बखुद बखुद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वला युशइरन बिकुम अहदा, हाँ सही है। ऐसे ही होता है। तो वला युशइरन बिकुम अहदा, और तुम्हारे बारे में किसी को खबर ना होने दे। अशअरा युशइरु, इत्तला देना, खबर देना, ये बाबे इफाल से। जबकि आपने यही लफ्ज आपने सूरह बकरा में पढ़ा, वहुम ला यशऊरून, वो खुद समझ नहीं रखते थे। यहां इशआर माना किसी को खबर देना, किसी को समझ बूझ देना किसी के बारे में। तो ये फर्क क्या हो गया, वो है सुलासी मुजर्रत और ये है क्या, सुलासी मजीद। थी सुलासी मुजर्रत कभी फेल लाजिम होता है कभी मुतादी होता है, और जो बाबे फाल में चले जाए तो वो मुतादी में चला जाता है। कब्र से जब उठाया जाएगा ना फिर भी यही होगा, वहां भी यही सवाल आते हैं ना, जैसे अभी हम सोए थे अभी हम लेटे थे। अच्छा क्यों, हालांकि कब्र की जिंदगी भी बड़ी तंग होगी उन पर, वो आखरत का जो दिन होगा मैदाने माशर का इतना अलमनाक खौफनाक होगा कि साहब का जिंदगी भूल जाएंगे, साहब का जिंदगी। जैसे वो ना जहन्नम में एक गोता लगाया जाएगा उस इंसान को जिसने दुनिया में कभी दुख नहीं देखा, वो क्या करेगा, वो भूल जाएगा अपने सारे सुख, और जिसने दुनिया में दुख ही देखे थे जन्नत में एक दीदार करने के बाद वो अपने दुख भूल जाएगा। तो ना किसी बाद वाली लहर को जब आप देखते हैं तो साहब का भूल जाते हैं आप। तो अब आगे वजह बताई जा रही है कि अगर आपने खबर दे दी तो क्या नुकसान होगा, इन्नहुम यदहरू अलैकुम, अगर वो इत्तिला पा गए तुम पर, यदहरू बमना यगलिबू भी होता है, अगर उन्होंने गलबा पा लिया तुम पर, अपनी जात का नुकसान नहीं है, मसला यह है यरजुमुकुम, वो तुम्हें रजम कर देंगे, संसार कर देंगे पत्थर मार मार कर। इनको तो शायद यही पता ना ये बादशाह वाले हैं, जालिम बादशाह है, इनको तो नहीं पता मैं इतना सोए हैं। बिल्कुल, अगर वो गालिब आ गया तुम पर, यरजुमुकुम, वो तुमको रजम कर देंगे, औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो तुम्हें लुटा देंगे अपनी मिल्लत में, अपनी मिल्लत वही बुतपरस्ती में, या वो तुमको फेर देंगे लुटा देंगे अपनी मिल्लत की तरफ। अगर ऐसा हो गया वलन तुफलिहु अबाद इदन अबादा, हरगिज तुम उस वक्त फला नहीं पा सकोगे। अगर ऐसा हो गया यानी मिल्लत की तरफ वापस लुटा दिया तो हरगिज तुम फला नहीं पा सकोगे। आदा युईदु, ये भी बाबे फाल है, बाबे फाल, इआदा करना, इसी से ईद है, इसका माना क्या होता है, लौटना। इसमें एक है आदा यहूदू, ये सुलासी मुजर्रद में, इसका माना है खुद लौटना, और आदा युईदू का माना था किसी को लुटाना। क्या फर्क हुआ, वो लाजिम है आदा यहूदू और आदा युईदू ये मुतादी है। सुभान अल्लाह। तो हुआ क्या, इन्होंने भेज दिया बंदा, एक बंदा चला गया,
रोटी सालन बिरयानी जो भी लेना था लिया, लेने के बाद जब पैसे निकाल कर दिए, ये कहां से आया? मैंने कहा ये सिक्के हैं। अब दुकानदार समझ रहा है कि, अब उसने क्या समझा जब ये दिए ना सोने के सिक्के, अब तो सोने के सिक्के थोड़ी, अब तो करेंसी पता नहीं कौन सी चल रही थी, उसने समझा लगता है इसको मदफून खजाना मिला कहीं से, सोना या चांदी, हाँ चांदी लेके गए, चांदी है ना, तो उन्होंने समझा कि इनको खजाना मिला है कहीं से, और वो समझ रहा था कि वही चीज है, यहां भी वही चल रही होगी, बस यहां से पकड़े गए। पकड़े ऐसे गए, इत्तला बादशाह तक पहुंची, इत्तला पहले ये पहुंची कि इनको शायद खजाना मिला है कहीं से, और जाहिर है खजाना मदफून मिले तो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, आज का दौर ऐसा ही है कि आप बताएं तो सही, लेने के लिए पहुंच जाएंगे फौरन। बादशाह इत्तला पहुंची, वहां तक पहुंचे, और जब वहां तक पहुंचे इत्तला पाई, तो बाज तफसीरी रिवायत में है कि जब उन पर इत्तला पहुंच गई, बाज में ये आता है वहीं अल्लाह ने उनको इंतकाल वफात पा दी, अल्लाह ने वहीं उनको मौत दे दी। बाज में ये कुछ अरसा रहे, लेकिन वो बादशाह मुसलमान था, बादशाह मुसलमान था। बड़ी कहानियां फिर आगे चले गए, ढूंढते ढूंढते इनके नस्लों तक पहुंचे, खानदान पर पहुंचे, और फिर आबाओ अजदाद, उनकी नस्लों से आने वाले इनकी नस्लें, उनसे मुलाकात हुई। ये तो बनी इसराइल की रिवायात हैं बहुत ज्यादा, मतलब खुलासा इतना, इत्तला हुई, इत्तला के बाद फिर अल्लाह ने इनको वफात दे दी। कितने वक्त में दी है इसकी कोई सराहत सही सनद से मौजूद नहीं है। आगे की रिवायात जो है ना, आगे के जो जो आगे की जो आयात है वो इस बात पर दलालत कर रहे हैं, उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त इस्लाम आ चुका था, शऊर आ चुका था, मुसलमान मौजूद थे। वकदालिका, और इसी तरह, अअसरना अलैहिम, हमने लोगों को इससे आगाह किया, इस किस्से पर, इस मामले पर हमने लोगों को आगाह किया। अब कदाली का माना क्या होगा, पीछे चले जाएं, इस्लाम यानी ईसाइयत में, ईसाइयत ही थी, ईसाइयत में भी जाहिर है मुसलमान तो सारे ही होते हैं ना, हमारा तो जो है वो दीन दीन इस्लाम है, लेकिन जो भी अल्लाह उसके रसूल को मानता है तो उसको मुसलमान तो कहते हैं ना, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये तो हमारा सिफाती नाम है सबका। तो क्या बात हो रही थी कि कदाली का, पीछे कदाली का गुजरा, वहां माना क्या था, जिस तरह हमने सुलाया था इस तरह हमने जगाया, और यहां माना क्या होगा, वह कदाली का, जिस तरह हमने सुलाया और जगाया था इसी तरह हमने इन पर लोगों को इत्तला दी, आगाह किया। जी लिया आलमू, क्यों हमने लोगों को इससे आगाह किया, ताकि वो जान लें अल्लाह का वादा, अन्न वाद अल्लाह ये हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी लोगों ने, जी आप तो वो काफिर हैं, लोगों ने उस किस्से पर इत्तला पाई, उन लोगों पर इत्तला पाई जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक सबक दे दिया। वो सबक क्या है, अल्लाह का एक वादा है, और वो वादा क्या है, मरने के बाद अल्लाह ने हर एक को उठाना है। अल्लाह ने इस वादे की सच्चाई के लिए उनको ये इल्म दिया, देख लो कब सुलाया था कब उठाया है, इतने अरसे के बाद भी ये जिंदा है तो बिल्कुल अल्लाह ताला मारने के बाद भी उठाएगा। क्यों, आगे अल्लाह ने मजीद वजाहत कर दी, वअन साअत ला रैब फीहा, क्यामत में कोई शक नहीं है, क्यामत के बारे में कोई शक नहीं है। अब ये वाक्या काफी है, क्यामत के बारे में अगर किसी को शक था खत्म होने के लिए, मरने के बाद उठाए जाने पर इंसान के इल्म को शक से पाक करके यकीन की तरफ लाने के लिए किस्सा काफी है। इद यतनाज़ऊना, ये है इद, ये जो इज है इसका ताल्लुक जो है पीछे के साथ है, इज ये किन अस्मा में से है, जी ज़र्फ है, इदा और इज ज़र्फ है, इज का ताल्लुक आफरना के साथ है, यानी ज़र्फ को किसी ना किसी के मुताल्लिक किया जाता है,
किसी ना किसी के मुताल्लिक किया जाता है, और इसको मुताल्लिक करेंगे आसरना के। यानी अब तर्जमा ये होगा इज यतनाज़ऊना बैनहुम, जब वो आपस में झगड़ रहे थे, जब वो आपस में तनाजा कर रहे थे। इज यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम, जब वो आपस में शक व शुबा कर रहे थे अमरहुम अपने मामले के बारे में, यानी क्यामत के बारे में, अपने बारे में, मतलब ये कि मरने के बाद वो उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे, जब इस मामले में शक कर रहे थे, अल्लाह फरमाते आसरना अलैहिम, उस वक्त हमने उनको उस पर इत्तला दे दी, जिस वक्त उनको उठाया है ना, उस वक्त के जो लोग थे शकूक और शुबहात में मुब्तला थे कयामत के बर्पा होने के बारे में और मरने के बाद उठाए जाने के बारे में, अल्लाह फरमाता है जब ये शक कर रहे थे आपस में कयामत के मामले के बारे में, हमने इनको इत्तला दे दी असाबे काफ पर। असाबे काफ के इस किस्से को जब देखा, कितना अरसा हो गया इसको, अब अल्लाह ने इनको उठाया है, इतना अरसा सोए हुए थे, अब जाग गए तो यकीनन मरने के बाद भी उठाने पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किस्से से उनके इख्तिलाफात और शकूक और शुबात को खत्म कर दिया। जो ऐनी चीज होती है ना, ऐनी मुशाहिदा, उससे इंसान को जो शक है या तरद्दुद है खत्म हो जाता है, वो ऐनुल यकीन। फकालू, तो उन्होंने कहा, यानी उस वक्त के लोग जिनको इत्तला मिली इनके वसायल, इनके खसायल, इनके औसाफ पर वो इत्तला पाई उन्होंने, तो उन्होंने कहा इब्नु अलैहिम बुनियाना, सुभान अल्लाह, इन पर एक इमारत कायम करो, इन पर एक इमारत कायम करो, यानी दूसरे लफ्जों में मजार बनाओ, इनका मजार बनाओ। जी रब्बुहुम अअलमु बिहिम, उनका रब ही उनके हाल को ज्यादा जानता है, रब्बुहुम उनका रब अअलमु बिहिम उनके हाल को ज्यादा जानता है। इससे ये खबर है, एक तो ये कि ये कौल किसका है, रब्बुहुम अअलमु बिहिम किसका कौल है ये, बाज ने कि ये वो अफराद जिनको इत्तला मिली थी कि उनके आपस में ये ख्यालात पैदा हुए कि ये कौन है, कितना अरसा रहे हैं, किस कैफियत में थे, आपस में इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, बिलाखिर किसी एक ने कहा जो सही फिक्र वाला था, रब ही ज्यादा इनके हालात को जानता है, हमें मालूम नहीं है। قال الذين غلبوا على امرهم, कहा उन लोगों ने जो गालिब आ चुके थे इनके मामले पर, गलबा पाया जिन्होंने इनके मामले पर, उन्होंने कहा लनतखिदन्ना अलैहिम मस्जिद, हम इनके आसपास जरूर बजरूर मस्जिद बनाएंगे। अलैहिम का माना इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द, इनके आसपास हम जरूर बजरूर मस्जिद बनाएंगे। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, जिस तरह आजकल मजारात में हम देखते हैं ना, जहां वलीउल्लाह की कब्र होती है, वलीउल्लाह उनके नजदीक, हो सकता है वो पता नहीं क्या चीज है, उनके नजदीक वो मस्जिद बना देते हैं, ठीक है, और मस्जिद बनने के बाद आप लोगों को दावत देते हैं आए यहाँ अल्लाह की इबादत करें, मकसद ये कि उनकी कब्र का दीदार होता रहे, एक मुजाविर बनकर बैठ जाएं, तो इसी तरह के ख्यालात वहां थे। अच्छा, कुछ लोगों ने, आज के दौर के लोगों ने इसी से इस्तदलाल करते हुए कहा देखो वो नेक लोग थे, वलीउल्लाह थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में जब मुसलमानों को इत्तला दी तो उन्होंने उनके साथ भलाई का मामला करते हुए पहले मजार बनाया, मस्जिद बनाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शरीयत में क्या इसका जवाज फराहम किया है? हमारे लिए तो सबका शरीयत मनसूख हो गई है, हम शरीयत के उन अहकामात को लेंगे जो हमारे लिए मशरू है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के ताल्लुक से क्या बयान फरमाया है? कब्रिस्तान में नमाज होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कब्र के ताल्लुक से? उसको पक्की करने से मना फरमाया, कब्र को एक बालिश से ऊपर करने से मना फरमाया, उस पर कुछ लिखने से मना फरमाया, उस पर इमारत बनाने से मना फरमाया, हत्ता कि कब्रिस्तान में आप जाकर नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, उससे मना फरमाया है। तो इसका माना यह है कि शरीयत शिर्क की हर
सबील को बंद करना चाहती है, और आप इससे उन अहादीस को उन फरामीन को छोड़कर और इस किस्से से इस्तदलाल करते हुए मजार बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, ये तो सरी अहादीस की मुखालफत है। वरना साहबा से बढ़कर वलीउल्लाह कौन है? हर साहबी की कब्र पर एक मजार होना चाहिए था और एक मस्जिद होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। तनाजात हो गया ना यहां पर, दो फरीक तो बन गया ना, इसी से यही पता चलता है ना तनाजा था उनमें। हाँ, मस्जिद नबवी तो बिल्कुल वाजे बात है कि वो तो उसकी तो वो तो अल्लाह के रसूल सल्लम की तदफीन घर में हुई है, घर में, और अंबिया का इख्तिसास है कि जहां इंतकाल होता है वहीं उनकी तदफीन होती है, उनको शिफ्ट तो किया नहीं जा सकता, किसी और को तो किया जा सकता है। अब जब मस्जिद नबवी की बारी आई थी बनाने की तो क्या किया था, तौसी की जब बारी आई तो जो खंडरा थे जहां मुशरिकीन की कब्रें थी उखेड़ दी गई, सब खत्म कर दिया गया वहां से। इसी तरह बाज सहाबा इकराम ने बाज इलाकों में मस्जिद गिरजाघर को मस्जिद बनाने की बात की थी, तो आपने हर चीज को उजाड़ने का हुक्म दिया था, खत्म, ताकि इस तरह की चीज जो शिर्क की तरफ लेकर जाती है उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए नमाज, दो बातें हैं, आपने जो सवाल किया ना कि नमाज जनाजा, नमाज जनाजा कब्रिस्तान से मुत्तसिल किसी जगह में पढ़ाया जाता है। हाँ, अगर किसी शख्स की तदफीन हो जाए और आप नमाज जनाजा ना पढ़ सके, पढ़ना चाहते हैं तो कब्र पर नमाज जनाजा, ये इस्तिस्नाई सूरत है, इस्तिस्नाई सूरत है, लेकिन कब्रिस्तान में खड़े होकर नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते आप, कब्र पर जाकर पढ़ सकते हैं, बशर्त यह कि आपने नमाज जनाजा पढ़ना था और ना पढ़ सके, बाकी वो कब्रिस्तान से बाहर ही होता है जनाजा। जी, खादिमा थी मस्जिद की। सयकूलूना, अन करीब लोग कहेंगे, कौन कहेंगे, मुख्तलिफ बातें हैं इसमें, एक तो ये है रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के लोग मुसलमान और काफिर, सयकूलून से मुराद अनकरीब कहेंगे लोग, कौन है, रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के मुसलमान और काफिर, उनमें इख्तलाफ होगा इनकी तादाद के बारे में, या इससे मुराद अहले किताब है, अहले किताब वो इनके बारे में इख्तलाफ करेंगे, क्या कहेंगे, सलासतुन, वो तीन थे, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था, वयकूलूना, और वो कहेंगे, खमसतुन, वो पांच थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिल गैब, अल्लाह ने फरमाया गैब की बातों में तीर चलाते हैं ये, रजमम बिल गैब, गैब की बातों में ये तीर चलाते हैं, जिसको कहते हैं अटकल बच्चू, अटकल यानी तुक्के मारना, ये गैब में यानी ये तुक्के मारते हैं, रजमम बिल गैब का माना ये लोग तुक्के मार रहे हैं, यानी ये दोनों बातें गलत हैं, वो तीन थे वो पांच थे, अल्लाह ने इन दोनों को मुस्तरद कर दिया रजमम बिल गैब कहकर, आगे आ रहे हैं ना, इसलिए कहा ना कि जब अल्लाह ने पांच की नफी कर दी तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैंने बताया था फितियतुन, ये जमा कौन सी है, किल्लत है, और इसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा नौ तक होती है, जमा किल्लत के जो औजान में तादाद होगी ज्यादा से ज्यादा नौ, तो इसका माना हम क्या कहेंगे, नौ या नौ से कम थे, छह से ऊपर और नौ थे या नौ से कम थे। इसलिए आगे वाला जो कौल है ना, उस कौल को अल्लाह ताला ने जिस अंदाज से पेश किया है, अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं यही सही है, और वो क्या है, अल्लाह फरमाता है वयकूलून सबअतुन, और वो कहेंगे ये सात थे, वसामिनुहुम कल्बुहुम, और आठवां उनका कुत्ता था, कुल ऐ पैगंबर कह दीजिए, रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, मेरा रब उनकी तादाद को
ज्यादा जानता है। माया लमुहुम इल्ला कलील, उनकी तादाद को नहीं जानते मगर थोड़े लोग, और वो कलील कौन है? नानुमिन हूं, बासाबा का कौल है उनमें से, और वो कलील लोग कौन थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हम उन्हीं में से, यानी हम जानते हैं उनकी तादाद कितनी है, कितनी थी। वो कहते हैं सात थे, वो सात थे। हाँ, उसके बाद अल्लाह ने यही कहा कि तेरा रब ज्यादा जानता है, बहुत थोड़े लोग जानते हैं। तो इसका मतलब यह कि अल्लाह ने इस कॉल को सीखा तमरीन से जिक्र नहीं किया, कीला या उसका रद्द नहीं किया। तो उसका माना है कि यही कॉल ज्यादा मुस्तनद और मोतबर लग रहा है। अच्छा, ये जो क्या है सलासतुन राबिउम, ये सलासतुन खमसतुन, ये तरकीब में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है तरकीब में जी? अदद मादूद है, अदद मादूद तरकीब तो नहीं है, ये खबर है, मुब्तदा महजूफ है। असल में तो हुम सलासतुन, हुम खमसतुन, हुम सबातुन, ये खबर है, मुब्तदा महजूफ है। फला तुम्हारे फीहिम इल्ला मेरा अन जाहिरा, अब उनके बारे में बात ना करें, इल्ला मेरा अन जाहिरा, मगर सरसरी गुफ्तगु, अब उनके बारे में ज्यादा गुफ्तगु ना करें मगर सरसरी गुफ्तगु, क्योंकि ज्यादा आप थोड़ी जानते हैं उनके बारे में, जितना बता दिया गया उतनी गुफ्तगु करें, ज्यादा उसमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और उनमें से किसी से इसके बारे में पूछ गुछ भी ना करें, आप उनमें से किसी से भी उनके बारे में पूछ गुछ ना करें, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सरसरी सा इल्म आपको बता दिया गया वो किसी के पास नहीं है, लिहाजा आप किसी और से ना पूछें, आपको जो बता दिया गया वो काफी है। साहबा, वो साहबा ये कह रहे हैं इल्ला कलील से मुराद हम हैं, उनमें इस बात साहबा जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास है, वो कहते हैं ये सात हम हैं जो इनकी तादाद को जानते हैं, जिनको अल्लाह ने फरमाया कलील लोग हैं, तो वो कलील कौन है? उनमें वो मुफस्सिरीन है साहबा जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह रजी अल्लाह, जाहिर है अल्लाह के रसूल ने बताया होगा। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। चले इस पे गुफ्तगु करेंगे बाद में। पढ़ेंगे आज सूरह फरकान के वायदे ना, वायदा दोबारा
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج إن شاء الله هم لوگ سورة فرقان آيات نمبر 63 سورة فرقان کے آيات نمبر 63 से शुरुआत करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे जहां तक पहुंच सके इंशाल्लाह। जी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी पूछना चाह रहे हैं कि आज आप लोगों की जो क्लास थी तो आप लोगों के शेख जो हैं वो शायद आज बीमार हो गए, अल्लाह तो अल्लाह उनको शिफा कामिल आजला अता फरमाए। तो आज बोला गया कि आप लोगों को कुरान की क्लास दी जाए ताकि आप लोगों का वक्त भी ना ज़ाया हो। तो इंशाल्लाह आज हम लोग कुरान की तफसीर शुरू करेंगे सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 63 से। आप लोग या तो कुरान अपने अपने पास खोल लें या आयत अपने सामने रखें ताकि जब तशरीह बयान की जाए तो आप लोगों के आयत सामने होगी तो आप लोगों को भी आसानी होगी याद रखने में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाज़ लोग पूछ रहे हैं सूरह फुरक़ान क्यों, क्योंकि आज बेसिकली क्लास थी नहीं तो ऐसे ही रेंडमली हम लोगों ने चूज़ किया ये आयत है क्योंकि अच्छी थी तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलें शुरू करें इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر نہیں سورة فرقان کو لیے اپ نے سورة فرقان آیت نمبر 63 وعباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بس بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम जब नाजिल किया तो इसमें बहुत सारे ऐसे मकामात रखे हैं जिसमें इंसान अपने आप को वजन कर सकता है, इंसान अपने आप का जायज़ा ले सकता है, इंसान अपने आप को परख सकता है कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या मेरा रास्ता कहीं भटक तो नहीं रहा। तो उसी किस्म का एक ये भी मकाम है जो आज इंशाल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमाते हैं वइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्द हौना। इबादुर रहमान, इबाद से क्या मुराद है? बंदे, बिल्कुल सही। इबाद अब्द की जमा है और अब्द कहते हैं बंदे को, और अगर इसका एक्चुअल माना देखा जाए तो वो गुलाम क्या होता है? गुलाम। गुलाम आजकल के ज़माने में तो नहीं होते लेकिन पुराने ज़माने में गुलाम का मायना
سمجھا جاتا تھا کہ غلام سے کیا مراد ہے, کیونکہ غلام ان کے سامنے ایگزسٹ کرتے تھے. اور آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو ایک روبوٹ سے ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ بظاہر غلام ہوتے تو انسان تھے, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ ایسے ہی کیا جاتا تھا جیسے وہ ایک روبوٹ ہے, اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کا مالک اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا, یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر اس کا مالک اس کو بولے یہاں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ پلٹ کے پوچھ سکے کہ میں کب بیٹھوں یا میں کب سوں یا مجھے بھوک لگ رہی ہے. نہیں, اس کا کام ہے کھڑے ہو جانا, اس کے مالک نے اس کو بولا کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا رہے گا جب تک اس کا مالک اس کو خود بیٹھنے کے لیے نہیں بولے گا. اور اس کی واضح مثال ہم ایک دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کی شکل میں جو ہمارے سامنے آئی, کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو کس طرح ان کے جو جن کے وہ غلام تھے انہوں نے کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کیے, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ کس حق کے تحت اس انسان کے اوپر اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے غلام تھے. تو غلام اس طرح کا ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اپنا غلام کہا تو اس میں بھی ایک یہی اسی قسم کا ایک معنی چھپا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ ہم لوگ اس کے روبوٹس ہیں ایک طرح سے. کیونکہ جب انسان اسلام لے کر آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام کی تمام چیزیں اپنے رب کے حوالے کر دے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی عقل ہے. اپنی عقل, اپنی خواہشات, اپنی جسم کی تمام تر چیزیں اپنے رب کے حوالے کر دے کہ اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اور میرا معبود نہیں, کوئی اور معبود حق نہیں سوائے تیرے. میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیری ہی بندگی کرتا ہوں. بمعنی میں اپنی تمام کی تمام طاقتیں, تمام کی تمام خواہشات, تمام کی تمام چیزیں تیرے حوالے کرتا ہوں. اب جس طرح تو چاہے گا اس طرح میں زندگی بسر کروں گا, جو تو چاہے گا وہ میں کھاؤں گا, جو جس سے تو منع کرے گا اس سے میں رک جاؤں گا, نہ میں آگے سے سوال کروں گا, نہ میں آگے سے اپنی عقل لڑاؤں گا کہ کیوں میرے رب نے یہ منع کیا, کیوں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, کیوں نہیں. یہ سب ہوتی ہیں اسلام لانے سے پہلے کی باتیں, کہ آپ سوچیں کہ ہاں واقعی یہ صحیح دین ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین نے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے پھر عقل کیوں دی؟ اگر آپ بولتے کہ عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے تو عقل کیوں دی اللہ رب العالمین نے؟ تو اللہ رب العالمین نے عقل دینے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ اپنے رب کو کس طرح پہچانیں گے کہ میرا رب کون ہے, اور پھر کس طرح پہچانیں گے اس کی آیتوں کو دیکھ کے, اس کی آیتوں کے اوپر تفکر کر کے. آسمان اتنا بڑا کس طرح کھڑا ہوا ہے, لازمی بات ہے اس کو پیچھے کوئی بنانے والا ہے. انسان میں خود کس طرح, میں بچپن میں چھوٹا تھا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, کس طرح میں جوانی میں آ کے اتنا طاقتور ہو گیا؟ کیا میں نے خود اپنے اندر کوئی چینجز کی؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو مجھے چلا رہی ہے, کوئی نہ کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو میرے چیزوں کو چلا رہی ہے. ٹھیک, اس لیے اللہ رب العالمین نے عقل دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے بولا کہ جب تم اسلام لے آؤ, جب اس بات کا تمہیں پتہ چل جائے کہ یہی دین برحق ہے, تب تمہاری عقل بھی میرے حوالے کر دو. اپنی عقل, اپنی خواہشات, اپنی تمام تر چیزیں میرے حوالے کر دو, کیونکہ یہی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے جس طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس کے کہ صرف اور صرف وہ میری ہی عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر تمام وہ چیزیں کریں جو ہمارے رب کو محبوب ہے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اور اپنے اعتقاد سے. اپنے دل کی اندر جو ہمارا اعتقاد چھپا ہوا ہے وہ بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتے ہیں. تو یہاں عباد کا مطلب یہی, پیچھے اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کو عباد جب بولا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی تمام تر چیزیں اپنے رب کے حوالے کر دیں. جب تک آپ اپنی تمام تر چیزیں اپنے رب کے حوالے نہیں کرتے تب تک آپ کا ایمان ہی پورا نہیں ہے. ایک آدمی بولے کہ میں ساری چیزیں مانگتا ہوں لیکن شراب بھی میں نہیں پیوں گا, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شراب کیوں حرام ہے. میں پی نہیں رہا شراب, لیکن صرف میرے دماغ میں یہ ایک سوال بیٹھا ہوا ہے کہ شراب حرام نہیں ہونی چاہیے تھی, تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. ایک چیز کے اوپر بھی کوئی اعتراض کیا وہ اسلام سے خارج ہے. تو اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنی تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین کے حوالے کرنی ہے. ہاں, یہ کام آپ کا کب تھا؟ اسلام لانے سے پہلے.
क्या आप इस बारे में सोचे कि क्यों शराब हराम है, क्या है क्या नहीं है? इस्लाम ले आए तो बस, अब आपको तमाम तर चीजें, अब आप सोचेंगे भी वही जो शरीयत ने आपको इजाजत दी है सोचने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं कि ईमान वालों की सिफात में क्या है, वयतफक्करून फी खल्क़ अस्समावाति वल अर्द, कि आसमान और जमीन की खिलकत में तफक्कुर करते हैं। तो आपके अकल को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां चाहता है वहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बता रहे ये है मकसद इबादत का, ये है मकसद, ये है मायना उबूदियत का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया वह इबादुर रहमान, और वो बंदे जो रहमान के बंदे हैं, अपनी तरफ उसकी इजाफत की। रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत ही बाबरकत नाम है, एक बड़ा ही अजीम शान नाम है, जो कि रहमान और रहीम जो कि हम सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं, कि एक बड़ा ही अजीम नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इसके मायने में ये चीज आती है कि मतलब बे इंतहा रहम करने वाला, जिसको कहते हैं ना बे इंतहा रहम करने वाला, वो मतलब है उसका रहमान का, कि जो वो जात जो बे इंतहा रहीम है, बे इंतहा रहमत करती है अपने बंदों के ऊपर, वो जात के बारे में बात हो रही। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बोला, वह इबादुर रहमान, वो बंदे जो रहमान के बंदे हैं। और आगे उनकी सिफात इस तरह बयान हो रही है, वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द, कि रहमान के तो वो बंदे हैं जिनकी सिफात क्या है, अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द, यमशून किसके किसको कहते हैं, चलने फिरने को, यमशून अलल अर्द, अला के क्या मायने में आता है, जमीन पर, बिल्कुल, अलल अर्द यानी बेमाना जमीन पर, यमशून अलल अर्द यानी कि जमीन पर चलते फिरते हैं, किस हालत में, हौनन, हौनन, हौनन कहते हैं सकीनत को जमा वकार को, सकीनत बेमाना उसमें कोई तकबर ना हो, उसमें कोई बढ़तरी ना हो कि मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं होना चाहिए, जहां ये मैं आ जाता ना वहां फिर वो मसला आ जाता है उबूदियत का, कि जब हमने अपनी तमाम तर चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब मैं बेसिकली इसी तरह हूँ जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बनाना चाहता है बस, और मेरा अपना कोई ताकत नहीं, मेरी अपनी कोई कुदरत नहीं, मेरी अपनी कोई अना नहीं, जिसको उर्दू जबान में कहते हैं ना अना, अना नहीं कोई भी, हौनन इसी से निकला है, हौनन यानी कि सकीनत, इसमें कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म की बढ़तरी नहीं होनी चाहिए। और ये इतना खतरनाक मामला है कि अगर किसी इंसान के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो हदीस में आता है कि वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, एक राई का दाना कितना छोटा होता है, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा, इतना ही खतरनाक मामला है। तो यही मुराद है हौनन से, कि सकीनत के साथ तकबर नहीं होना चाहिए, और जमा क्या मैंने बताया, वकार, ये दोनों चीजें लाजमी, झुकना इसमें अल्लाह के सामने पस्त समझना, लेकिन पस्त यहां इसलिए नहीं हमारा इस्तेमाल होगा क्योंकि पस्त में दाइमन वो आ जाता है कि एक इंसान झुक के चल रहा है, झुकना मुराद नहीं है, सकीनत मुराद है, सकीनत और वकार, वकार में झुकना नहीं होता, वकार में झुकना नहीं होता, वकार एक बावकार मोमिन की सिफात यही है कि वो बावकार होता है अल्लाह के सामने जब वो इस हालत में हो के, बिल्कुल, जब अपने रब के सामने उसकी बारी आती है, जब वो नमाज में खड़ा होता है तो फिर वो उसको कहला जाएगा ये झुक के खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल उनका चलना फिरना है, यहाँ बात हो रही है नॉर्मल चलने फिरने की, नॉर्मल जो उनका जमीन पे चलना फिरना होता है वो किस तरह का होता है, वो झुक के नहीं होता और वो तकब्बुर भी नहीं होता है, उसके बीच में होता है बावकार तरीके से और सकीनत के साथ, सकीनत और बावकार, ये लाजमी दो अल्फाज इसमें जमा होने चाहिए हौनन में। और इसका पता हमें उस हदीस से चलता है जिसमें हजरत उमर के साथ, बल्कि ये वाकया हुआ था कि हजरत उमर ने एक आदमी को देखा था कि वो झुक के, जिस तरह आप बोल रहे हैं, झुक के चल रहा था, वो एक तरह से दबा हुआ चल रहा था, बिल्कुल ढीली हालत में चल रहा था। तो हजरत उमर ने उसको पकड़ के पूछा उससे कि क्या आपकी तबीयत सही है, आप कहीं बीमार तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं हजरत उमर, मैं सही हूँ बिल्कुल। तो हजरत उमर ने बोला तो फिर सीधे चलो, तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, बावकार अंदाज से चलो, इतने ढीले क्यों चल रहे हो?
अल्लाह रब्बुल आलमीन को ढीला पसंद पसंद नहीं है। बावकार तरीके से बिल्कुल ऐसे मुतकबराना चाल नहीं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह फरमाया कि जमीन पे इस तरह नहीं शहर के तू जमीन को फाड़ नहीं सकता और पहाड़ों की लंबाई तक भी तू नहीं पहुंच सकता, तो वो तकबरा ना हो गया, वो तकबर करा दे। और यहाँ जो है हाउनन का वो यही है तकबर, और बिल्कुल ढीलेपन के बीच में जो चाल होती है कि बावकार अंदाज से, जिस तरह वो हदीस में भी आता है कि अगर आपकी नमाज निकल जाए तो आप जल्दी ना मचाएं नमाज पकड़ने में, बल्कि बावकार अंदाज से हैं, फिर जो आपको नमाज मिल जाए वो पूरी कर लें, जो आपको मिल जाए वो आप कंप्लीट कर लें, और जो आपकी रह गई हो उसको आप बाद में कंप्लीट कर लें, जो आखिरी में जिस तरह हम लोग करते हैं जमात में। इबादत की सिफत बताइए। बिल्कुल ऐसे ही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलाम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलाम का क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताने का मकसद यही है कि एक तो ये कि सबसे पहले हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर ये सिफात हैं कि नहीं है। अभी आगे जो सिफात आएंगी वो सबसे पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का मकसद क्या है, पढ़ने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो हम भी अपने अंदर ये देखें कि हमारे अंदर ये सिफात पाई जाती है भी कि नहीं, हम वाकई इबादुर रहमान कहने के लायक हैं भी कि नहीं, और दूसरा अगर नहीं पाई जाती तो फौरन इसको एक एक करके अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि सहाबा कराम भी इसी तरह किया करते थे कि एक एक आयत पढ़ते थे और फिर जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करते थे तब तक दूसरी आयत पे नहीं पहुंचते थे। तो अमल बहुत जरूरी है, हमारा भी ये पढ़ने का मकसद यही है, आपका भी और मेरा भी, कि हम इसको पढ़ें और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक हमारे पढ़ने का फायदा नहीं, बल्कि यही आयत है कल को हमारे ऊपर वबाल बन जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे बचाए। जी तकबर को टेस्ट करने का क्या तरीका है, एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जो हदीस मैंने बयान की थी कि वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा जिसमें एक राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा। तो सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह कि हम लोग तो अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं और अच्छे जूते भी पहनना चाहते हैं, तो जब अच्छा बंदा अच्छे कपड़े पहनता है अच्छे जूते पहनता है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक आ जाता है कि यार मैं दूसरों से अच्छा लग रहा हूँ, तो ये भी क्या जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने नहीं, इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद ये है कि तकबर उसको कहते हैं कि जो हक को पहचानने के बावजूद उससे इनकार कर दे, वो तकबर है, हक को पहचानने के बावजूद उससे इनकार कर दे। मिसाल के तौर पे किसी को बताया जाए कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है दाढ़ी रखना, अब आप दाढ़ी नहीं रख रहे तो आप दाढ़ी रखें, तो अगर वो ये सोच रहा है कि हाँ यार मेरी गलती है तो चलो फिर भी वो एक हद तक वो है, लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि नहीं यार दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, या वो और कोई उसके रद्द में कोई बात बोल रहा है, तो वो फिर तकब्बुर में शामिल हो जाता है कि इसको पता चल गया कि हक है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, फिर भी ये नहीं कर रहा। आजकल हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, नमाज के औसाफ जो हैं कि नमाज में अल्लाह के रसूल ने नमाज किस तरह पढ़ी, हम जब किसी और को बताना चाहते हैं वो बोलते नहीं यार मेरे इमाम ने नहीं किया, ये क्यों छोड़ा वो ये चीज कि मेरे इमाम ने ये नहीं किया, उसको पता है कि अल्लाह के रसूल की वाकई हदीस है ये, अल्लाह के रसूल ने नमाज में रफ़ा यदैन किया था, फिर भी अगर वो ये बोले कि नहीं मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मैं उस वजह से नहीं कर रहा, तो गोया कि वो फिर इसी हदीस में शामिल है, वो तकब्बुर में शामिल है। ये तकब्बुर की पहली निशानी होती है कि आपको कोई भी हक बात बताई जाए और आप फिर भी उससे रुगदा नहीं करें, तो ये तकब्बुर की पहली सिफात है जो अल्लाह के रसूल ने हदीस में बताई। दूसरी सिफात ये बताई कि वो दूसरों को हकीर जाने, और वो हकारत चाहे किसी भी मद में हो, यहाँ तक कि इबादत में ही क्यों ना हो, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और आप किसी और को ये हकीर जाने के, यार ये तहज्जुद नहीं पढ़ता मैं पढ़ता हूँ तो मैं इससे थोड़ा सा बेहतर हूँ, तो ये भी तकब्बुर है कि आप उसको हकीर जान लें, चाहे चीज कौन सी है, इबादत है, लेकिन उसमें भी आप उसको हकीर नहीं जान सकते, आप उसकी रहनुमाई कर सकते यार आप भी पढ़ा करो, आप इसको उसको उसको आपको जन्नत में लेके जाना है ना, तो आप उसकी भाईचारगी में आप उसको अपने पास लेकर आए, ना कि उसको हकीर जाने के, नहीं मैं तो इससे बात नहीं करता, ये तो नमाज नहीं पढ़ता, ये तो वो नहीं करता, आपका काम है उसको लेकर आना नमाज की तरफ, आपका काम उसको हकीर जानना नहीं है, आपके हाथ में उसको हिदायत देना नहीं है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, आपका काम क्या है कि आपको उसको हक बात बतानी है, आप अगर उसको हकीर जान रहे हो उसको हक बात नहीं बता रहे तो आप फिर तकब्बुर में शामिल हो। तो ये वो दो सिफात जो अल्लाह के रसूल ने बताई तकब्बुर की।
हाउनन वإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, ये एक सिफत हो गई जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी कि जब वो जमीन पे चलते फिरते हैं तो हाउनन के हालत में चलते फिरते हैं, यानी कि सकीनत के साथ और बावकार अंदाज से। दूसरी सिफत क्या बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, कि जब ये जाहिल कौम जब इनसे मुखातिब होती है तो ये उसका जवाब जहालत से ही नहीं देते बल्कि उसका जवाब अच्छे अंदाज में उसको जवाब देके उसको एक तरफ वो कर देते, अपना रास्ता देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी फितरत में जहालत होती है। फितरत में जहालत से मतलब जो बात उनको बताई जाती है वो उस पर फोकस नहीं कर रहे होते बल्कि जो बात में कोई फायदा नहीं होता वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं। ये एक किस्म का जहालत है और ये आपको अक्सर बेशतर अवाम अन्नास में मिलती है। कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा होगा, आप उसको कोई रोक टोक देंगे तो बजाय इसके कि वो उस बात को मान ले उस पर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देगा कि नहीं यार ये तो यूं है, सारी दुनिया ऐसी कर रही है, हम नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारी दुनिया ऐसे कर रही है, हम नहीं चलेंगे तो हमारा रिस्क बंद हो जाएगा। ये जहालत वाली बात है। आपका काम क्या है? आपका काम फिर उसके आर्ग्यू करना, आप उससे वापस आर्ग्यू ना करें। आपका काम है उसको हक बात बता देना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, आप उसको अच्छे तरीके से जितना बता सके बताएं और उससे अपना रास्ता वो कर लें। एक और जहालत की एक बहुत बड़ी किस्म ये होती है कि लोग आपके ऊपर एतराज करते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके ऊपर एतराज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको ऐसे ऐसे अलकाब से बुलाते हैं कि जो मुनासिब नहीं होते। हालांकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती, आप तो अपने रब की इबादत कर रहे होते हैं। जिस तरह कुफार मक्का अल्लाह के रसूल और मोमिनीन के साथ क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको उनको कमतर समझा करते थे, और आज भी ऐसे ही है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इस्लाम शुरू हुआ था गुरबत से, यानी कि बिल्कुल एक अजीब दीन के तौर पर शुरू हुआ था कि लोगों को लगता था ये बिल्कुल एक अजीब दीन है। मां से मैंने बिहार दफिया भाई ने लो, हमने तो ये बातें सुनी नहीं अपने बाप दादाओं में, हालांकि होती थी लेकिन उनके मुताबिक वो कहते थे ये तो एक नया दीन लेकर आए हो तुम। वैसे यूद गरीबा, और इस्लाम वापस इसी हालत में आ जाएगा कि लोग उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। आज कोई शलवार अपनी टखनों से ऊपर रखता है तो लोग उसके लिए मजाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ये तो ये क्या, ये सारे जहालत के तरीके हैं। तो इसमें आपका काम क्या है? अच्छा अंदाज उसको बता देना कि भाई ये इस्लाम का ये तरीका है, और अपना रास्ता वो करना, क्योंकि मानना नहीं मानना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के हाथ में। आपका काम है उसको अच्छे तरीके से जवाब दे देना और साइड हो जाना। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की ये सिफात बताई कि मोमिनीन क्या करते हैं, वإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, कि जब वो जाहिल लोग उनसे मुखातब होते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो वो अच्छे तरीके से उनको वो करके और रूह किनारे हो जाते हैं। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ सलाम से मुराद वो सलाम, हाँ वो यहाँ सलाम से मुराद वो भी लिया जा सकता है, और सलाम से मुराद यहाँ बतौर उसके है कि आप उसको अच्छे अंदाज में, जिस तरह अभी भी आकर आप सऊदी अरब जाएंगे ना तो वहां देखेंगे कि कोई किसी के आपस में कोई लड़ाई वगैरह होती है ना, तो बजाय उसको गाली देने के वो बोलता है अल्लाह यहदीक, अल्लाह तुझे हिदायत दे। ये यहाँ इस बात का जिक्र है, कालू सलामा का मकसद यहाँ ये है कि अगर आपसे कोई दुनियावी मामले में भी लड़ता है ना तो आप उसको अच्छे तरीके से उसको बोला अल्लाह आपको हिदायत दे, आप साइड पर जाओ, हालांकि आपको पता है वो गलत कर रहा है, दुनियावी मामला है कोई बात नहीं, अल्लाह आपको हिदायत दे करके साइड पर हो जाते हैं। तो यहाँ उससे मुराद ये है बेसिकली, और जैसा आपने बताया वो भी हो सकता है, बिल्कुल दोनों इसमें शामिल है। इस बात से एक किस्सा याद आ गया, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक उसमें से दूसरे को बुला भरा कह रहा था, तो अल्लाह के रसूल ये देख रहे थे ये चीज, और जिसको जो शख्स बुला भरा कह रहा था सामने वाला खामोश खड़ा हुआ था, सामने वाला खामोश खड़ा हुआ था, और उसके बाद उसने यही अल्फाज बोले अलैकस्सलाम, कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, और वो वहां से चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने बोला कि जब तक ये खामोश था तब तक फरिश्ते इसकी तरफ से जवाब दे रहे थे, इससे बेहतरीन मखलूक इसकी तरफ से जवाब दे रही थी, इससे बड़ा कोई एजाज है
हम खामोश हो, हमारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा हो, बिल्कुल फरिश्ता कोई जवाब दे रहा हो, तो बहुत बड़ी इसमें वो है कि एक निशानी है मोमिनीन के लिए, और हमें चाहिए कि हम लोग अपनी अंदर ये सिफात को पैदा करें। और ये पढ़ने का मकसद भी यही है कि अभी दो सिफात हमारी हो गई हैं, अब हमारा ऊपर ये होना चाहिए कि हम हर रोज इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما। अल्लाह अकबर। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपका अपने रब से किस तरह का ताल्लुक है। बज़ाहिरी नमाज, पांच वक्त जो नमाज होती है वो तो अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका अपने रब के साथ वाकई ताल्लुक किस तरह का है, वो इस आयत से पता चलेगा। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत से, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा। और ये तो वो लोग होते हैं, ये ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, किसके बारे में बात हो रही है? इबादत और रहमान के बारे में बात हो रही है, अल्लाह के बंदों के बारे में बात हो रही है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा, ये तो वो लोग होते हैं जो अपनी रातों को इस तरह गुजारते हैं लिरब्बिहिम अपने रब के सामने, सुज्जदन वक़ियामा। सुज्जदन से क्या मुराद है? सजदा करते वक्त उनकी हालत इस तरह होती है कि वो सजदे की हालत में होते हैं। वक़ियाम, क़याम करते हुए, कि रातों को लंबा क़याम करते हैं। और ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरफ से एक इतनी बड़ी निशानी है कि हर आदमी अपने आप को इस आयत पर रख के चेक कर सकता है कि क्या वाकई मैं इबादुर रहमान कहने के लायक हूँ या नहीं हूँ, और नहीं हूँ तो कब से शुरू हो जाऊं मैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरह से आपको चाबी दे दी है, एक तरह से बता दिए कि ये सिफात जिनमें है वो इबादुर रहमान है, ये चीजें जिनमें है वो इबादुर रहमान है, ये निशानियां जिसमें है वो इबादुर रहमान है। निशानी आपको बता दी गई है, एक तरह से जन्नत का नुस्खा आपको बता दिया गया। जन्नत में दाखिले का नुस्खा क्या है? जन्नत में किस रास्ते से दाखिल होना है, आसान तरीन अल्फाज में, क्योंकि इबादुर रहमान का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको बता दे कि ये मेरा बंदा है, इससे बड़ी कोई सआदत हो सकती है? इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बता दे कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, इसके बारे में उससे बड़ी सआदत कोई हो सकती है? अक्सर हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे मोहब्बत करता है उसका अपना बंदा बना लेता है। हाँ, तो फिर आसमान पे फरिश्तों को बुला के बताता है कि ये मेरा बंदा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फरिश्तों तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो आता है कि तमाम फरिश्ते आसमानों पे जो मौजूद है सब उससे मोहब्बत करने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो फरिश्ते जब जमीन पे आते हैं तो वो जमीन के फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जमीन की भी तमाम मखलूकात उसके लिए मोहब्बत, उससे मोहब्बत करने शुरू हो जाती है। फिर जमीन के जो फरिश्ते हैं वो इंसानों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मोहब्बत करता है इस बंदे से, लिहाजा तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो। फिर हमें नजर आता है कि लोग वाकई बगैर उन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, ना उसके पास पैसे होते हैं, ना उसके पास कोई रुतबा होता है, ना कोई, फिर भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अक्सर आलमे दीन बड़े बड़ों को हम देखते हैं, उनसे कोई पैसे किसी को मिल रहे होते हैं, कोई दुनिया में वफात किसी को मिल रहा होता है, लेकिन लोग किस तरह मोहब्बत करते हैं, पीछे पीछे लगे हुए होते हैं कि कोई एक हदीस हम इनसे सुन लें, कोई एक बात हम इनसे सुन लें, नोट कर लें, लिख लें। क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मोहब्बत होती है? ये इबादुर रहमान होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे। एक हदीस इसमें वो भी आती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुनिया में कोई रसर रसूख नहीं होती, ना उनकी बात कोई उनकी कोई पहुंच होती है दुनियावी एतबार से, ना कोई, एक नॉर्मल से बंदे होते हैं, ज़मीन पे चल फिर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनके क्या मुकाम होता है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कसम को पूरा करता है। इतने अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होते हैं वो, तो इससे बड़ा कोई मुकाम है? और वो किस तरह हासिल होगा? ये सिफात को अपने अंदर रखते हुए, बिल्कुल आसान तरीका, ये सिफात को एक एक करके अपने अंदर रखें, कोशिश करें, कोशिश करते रहें, एक दफा छूटे फिर दोबारा उसको पकड़ लें, फिर एक दफा छूटे फिर दोबारा पकड़ लें, हमारे अंदर तो कोशिश ही है ना, हमारे पास कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप भी, आपको भी महसूस होने लगेगा कि नहीं यार वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं, मेरे अंदर ये सिफत आ गई, अब फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, कब तक करना है ये? हत्ता यातिया कल यकीन, जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक ये काम करते रहना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी में से किसी हालत में हमारी मौत लेकर आए। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा,
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे तो वो होते हैं जो अपनी रातों को इस तरह गुजारते हैं कि सजदे की हालत में और क़याम की हालत में। والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, ये कौन सी सिफत आ रही है अभी हमारे पास? कितनी सिफातें हो चुकी हैं और कौन सी आ रही है? ये चौथी है पक्का। पहली कौन सी थी? يمشون على الارض هونا. दूसरी कौन सी थी? ये हौनन में आ गया। وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ये दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी थी? الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, अपनी रातों को इस तरह गुजारते हैं। चौथी कौन सी अब आ रही है? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, और ये चलते फिरते वो ये बात कहते रहते हैं। وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, और ये बात वो लोग कहते रहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, اصرف عنا عذاب جهنم, یا اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, ہم سے دور کر دے, عنا ہم سے, عذاب جهنم جهنم کے عذاب کو, ان عذابها كان غراما, بے شک یہ وہ والا عذاب ہے جو چمٹ جانے والا ہے, انسانوں کے ساتھ چمٹ جانے والا اور دائم رہنے والا عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, اور وہ لوگ یہ چلتے پھرتے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ. ہماری زندگی کا مقصد بھی اگر دیکھیں اور وہ مقصد کے پیچھے جو کامیابی اور ناکامی وہ اسی بات سے جڑی ہوئی ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو جہنم کی آگ سے کسی طرح بچ نکلا, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں کسی طرح داخل ہو گیا, فقط فاز, وہی کامیاب ہے. اس کا اس دنیا میں آنا, اس کے والدین کا ہونا, اس کے بچوں کا ہونا, اس کی تجارت کا ہونا, اس کا اس دنیا میں رہنا, اس کے دوستوں کے ساتھ رہنا, اس کی گاڑیوں کا, مال کا, ہر چیز کا جو پورا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کسی طرح جہنم سے آپ بچ جائیں اور جنت میں آپ کا داخلہ ہو جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کیوں دی گئی ہیں؟ کہ کسی طرح آپ اپنے رب کو خوش کر لیں, جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخلہ ہو جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو جہنم سے کسی طرح بچ نکلا اور جنت میں داخل ہو گیا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کا دنیا میں آنا کامیابی پہ مبنی ہو گیا, اس کی آخرت کامیاب ہو گئی, دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان وہ ہو گیا کہ جو جہنم سے بچ گیا. اکثر صحابہ کرام اس دعا کو کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے. جہنم ہم لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بڑا ہی خطرناک چیز ہے کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وقودھا الناس والحجارہ, کہ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں جلایا جائے گا بلکہ جہنم کا ایندھن ہوگا انسان اور پتھر. ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آگ بھڑکتی ہے, آگ جل رہی ہے اس کے اوپر پیٹرول کو ڈالا جائے کیسے آگ بھڑکتی ہے؟ تو انسان تو وہ ہے جس کو آگ وہ چھوئے گی تو وہ بھڑکے گی. انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے جس سے وہ آگ بھڑکے گی, یہ وہ آگ ہے. وقودھا الناس والحجارۃ, جس کے انسان اور پتھر جس کا ایندھن بنیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے محفوظ رکھے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم, وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها كان غراما, بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ جس کا ایندھن انسان بنے گا, تو گویا کہ یہاں اس بات کی تشریح ہو رہی ہے کہ کس طرح چمٹے گا, کہ ایندھن جس طرح آگ سے چمٹ جاتا ہے اس طرح انسان بھی, یہ آگ بھی انسان کو چمٹ جائے گی اور دائم رہے گی. انہا ساءت مستقرا ومقاما, بے شک بڑا ہی بدترین یہ ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, کتنی صفات ہو گئی ہماری؟
चार हो गए और ये कौन सी है, पांचवी है والذين اذا انفقوا, और ये लोग वो हैं कि जब ये इन्फाक करते हैं, इन्फाक किसको कहते हैं, खर्च करना इन्फाक को कहते हैं, और यहाँ जो मुराद है वो अल्लाह की राह में नहीं है बल्कि यहाँ नॉर्मल इन्फाक, नॉर्मल इन्फाक मुराद है खर्च करना, والذين اذا انفقوا कि जो जब माल खर्च करते हैं, उनकी सिफात मोमिनीन की सिफात यह है कि जब वो माल खर्च करते हैं, इदा अनफकु लम युसरिफु, युसरिफु किससे निकला है कोई बता सकता है, इसराफ से निकला है, बिल्कुल लम युसरिफु उसमें इसराफ नहीं करते, वलम यकतुरु, और इसराफ का अपोजिट क्या होगा, यकतुरु, यकतुरु इक्तरा, इसमें जो आसान अल्फाज में अगर हम बोले तो बुखल नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, लम युसरिफु वलम यक्तुरु वकान बैन ذلك قواما, और इसके दरमियान दरमियान रहते हैं, वकान बैन ذلك قواما, और इसी तरह एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, कि अपने हाथ को अपने गर्दन के साथ ना रखो, ये अपने हाथ को अपने गर्दन के साथ ना रखो, इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या मुराद हुआ, ये बुखल की निशानी है कि अपने हाथ को बंदा इंसान अपने गर्दन के साथ लगा के रखता है, यानी कि अपने माल को अपने गर्दन के साथ लगा के रखता है, उसको खर्च नहीं करता, والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, और इनके माँ बहन रहते हैं, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, यहाँ तक अभी तो सिफात बयान की जा रही थी वो ये इसी बारे में थी कि जो शख्स मुसलमान होता है अपनी जो उसकी इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज की है जो चीज़ें उसमें मुकम्मल होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करे, हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा आप लोगों को इससे थोड़ा महसूस हो गया होगा कि ये सेकेंड स्टेप है, एक पहला इंसान जब आता है तो उसके पहलों पर पहली क्या जिम्मेदारी है कि जो नमाज उसके ऊपर फर्ज की है वो पढ़े, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कयामुल लैल भी करे, है कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो कयामुल लैल भी करे जिस तरह हमने पढ़ा, ठीक है ना, तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप सदका खैरात करें और ज्यादा उस सदका खैरात में आगे ले जाए, ठीक है ना, तो इस तरह ये जो अभी तक जो बयान की जा रही है ये एक तरह का आप समझ लें नेक्स्ट स्टेप है, और इसके साथ साथ ही फर्स्ट स्टेप भी याद दिलाया जा रहा है अभी जो हम आगे आए थे पढ़ रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप आगे निकलते जाएं और पीछे से आपका कोई बड़ी जगह पे आप कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि शैतान तो आपके वार पे लगा हुआ है, शैतान तो आपके पीछे लगा हुआ है, वो आपको आगे से नहीं तो पीछे से आपको कोई ऐसी चीज करवा देगा कि आपकी तमाम आमाल ही बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ भी अगली आयत में उसी बात का जिक्र है, वल्लज़ीन ला यदउना मा अल्लाह इलाहन आखर, और ये तो वो लोग होते हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते, لا يدعون نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کسی معبود کو آخر کسی دوسرے معبود کو الہن آخر ٹھیک ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور یہ جس طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے وہ شرک ہے اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شرک بہت ایک بھیانک جرم ہے اتنا بھیانک جرم ہے کہ اس سے آپ کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ایک مکھی کی ہی وجہ سے جنت میں چلا گیا کتنا ایک معمولی سا نقطہ ہے شرک کا کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا پچھلے اس کے عمل بتائے نہیں کہ کیا عمل تھے کیا نہیں تھے صرف ایک عمل ایک گلتی تمام عمل برباد جہنم میں چلا گیا واقعہ پتہ ہی ہے بھیا میں بتاؤں ایک بتا دیتا ہوں آن لائن جو سن رہے ہیں ایک بستی میں کچھ مشرکین ہی رہتے تھے تو ان کے ایک کوئی عید کا دن آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا ہم اس سے کچھ نہ کچھ طلب کریں گے کہ کچھ نہ کچھ چڑھاوت چڑھائے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے نام پہ تو ایک شخص گزرا
तो उन्होंने बोला कि आप कुछ ना कुछ दे हमारे बुजुर्ग के नाम पे। तो उसने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं क्या दूं। तो उन्होंने बोला एक मक्खी ही उनके नाम पे चढ़ा दे। तो उसने बोला एक मक्खी क्या चीज है। उसने मारा एक मक्खी को और वहां से निकल गया, उन्होंने उसको जाने दिया। तो बोला ये शख्स जहन्नम में चला गया, एक लम्हे की गलती तमाम आमाल बर्बाद और जहन्नम ठिकाना। जो शिर्क कर लिया जिसने उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफी नहीं देगा। ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा, जो गुनाह चाहेगा माफ कर देगा, शिर्क ऐसा गुनाह उसको माफ नहीं करेगा। और इसके साथ साथ एक दूसरा शख्स आया, उससे भी यही मुतालबा किया गया कि आप कुछ भी चढ़ा दें चाहे मक्खी क्यों ना हो। वो तौहीद का पक्का था, इल्म हासिल करता रहता था। तो उसने बोला नहीं मैं तो कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा, एक मक्खी ही क्यों ना वो। तो लोगों ने उसको कत्ल कर दिया इसी बात पे, और बस वो कत्ल हुआ और सीधा जन्नत में। असल कामयाबी फिर किसने पाई? वो एक लम्हे का फैसला होता है। आपके ऊपर भी परेशानी आएगी, आपके ऊपर भी लोग वो देंगे कि कोई तावीज बांध लो, किसी पीर के पास चले जाओ, कुछ कर लो। वो एक लम्हे का फैसला होता है आपका, एक लम्हे का फैसला होता है आपका। एक लम्हा में आपने गलत फैसला किया, तमाम आमाल बर्बाद, ठिकाना जहन्नम। और वही एक लम्हे का फैसला हुआ, आपने सही फैसला कर लिया, ठिकाना जन्नत हो गया। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। قیامت کے دن جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی نیکی بھاری پڑ گئی, وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے برعکس کسی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے گناہ زیادہ ہو گئے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑا سنگین معاملہ یہ۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ یہ بھی ایک اگلا جو گناہ بیان ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی سنگین گناہ ہے جو آج کل بڑا عام ہو گیا, اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس جان کو, التي حرم الله إلا بالحق, اس جان کو قتل نہیں کرتے جو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حرام کیا ہے, الا بالحق, سوائے حق کے ساتھ۔ بمعنی اللہ رب العالمین نے تمام جانوں کو جو معصوم جان ہے اور اس کا حق بھی وہ ادا کر رہا ہے, حق سے منحرف نہیں ہے, تو اس کے اوپر قتل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا۔ الا بالحق سے یہ استثناء نکال دی کہ سوائے اس کے جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں, یعنی کہ تمام معصوم جانیں جو ہیں, مثال کے طور پہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہاں اس سے وہ مراد ہے کہ وہ قتل جو اللہ رب العالمین کے نزدیک معصوم ہے اور آپ پھر بھی اس کو قتل کرتے ہو تو وہ بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بتایا, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے جان موج کے ایک مؤمن شخص کو قتل کر دیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم, اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے, خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کی غضب بھی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, ولعنہ, اس کی لانتے بھی ہمیشہ ہمیشہ, وعد له عذاب الیم, اللہ رب العالمین نے بڑا سخت عذاب اس کے لیے تیار رکھا ہے۔ اور یہ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر آج کل یہ بڑا عام ہو گیا, کسی کو بھی چلتے پھرتے کوئی بھی شخص مار دیتا ہے اپنے مال کے لیے, اپنی دنیاوی کوئی چیزوں کے لیے, تو یہ بڑا ہی سنگین جرم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ کسی مومن کسی معصوم جان کو قتل کرنا, بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو بھی یہ کرے گا, يَلْقَ أَثَامًا, وہ اپنے اوپر خود ہی ایک بہت سنگین, اثامہ کہتے ہیں گناہ کو, اپنے اوپر بڑے ہی سنگین گناہ اپنے اوپر لکھوا لے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یضاعف له العذاب, اس کا دگنا عذاب اللہ رب العالمین اس کو دے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے اوپر دگنا عذاب آئے گا جو اس نے جرم کیا ہے۔ ویخلد فیہ مہانا, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یخلد بمعنی, یخلد سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ رہے گا۔ اچھا, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ اتنی چیزیں بیان کر دی, اس کے بعد پھر توبہ کا راستہ اس کے بعد بھی کھلا رکھا ہوا ہے, اور توبہ کے راستے بھی کس طرح کھلے رکھے ہوئے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی دی ہے
अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि आपने भले जितना भी संगीन गुनाह किया हो, अगर आप एक दफ़ा तौबा करो इस दुनिया में, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। इल्ला मन तौबा, सिवाय उसके कि जिसने तौबा की। वअमिला अमलन सालिहा, ये उसके साथ शर्त बांधी कि गुनाह कर लिया था उस पर तौबा की। पहली शर्त, तौबा किसको कहते हैं, तौबा की शुरूआत पता है, तौबा शर्मिंदगी क्यों कहते हैं, बिल्कुल अपने ऊपर नदामत करना अपने गुनाह के ऊपर, ठीक है, और इसकी शुरूआत क्या है, मेन सबसे मेन जो सबसे सबसे मेन जो शर्त है उसमें वो ये है कि आइंदा ना होने का अजम हो, ये ना हो कि आज आप कर रहे हैं और लेकिन दिमाग में हो कि हाँ मैं कल वापस ये करूंगा, नहीं, पक्का अजम हो कि अब मैंने ये नहीं करना, ये गुनाह छोड़ दिया मैंने। इल्ला मन तौबा, फिर ये जब ये करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, वअमिला अमलन सालिहा, और उसके बाद नेक अमल शुरू कर दे, वअमिला सालिहन, इधर है वअमिला सालिहन, और फिर नेक अमल शुरू कर दे, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, तो ये इंशाल्लाह वो शख्स है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बख्श देगा। فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, زور किसको कहते हैं, قول الزور وعمل الزور, زور شهادت الزور अगर बोलेंगे तो वो होगी ना हक गवाही देना किसी को, झूठी गवाही देना। तो कौल ज़ूर, हर वो बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है, जो गुनाह के ज़िम्रे में आती है, वो अमल ज़ूर, यही आता है कौल ज़ूर व अमल ज़ूर। इसके ऊपर अल्लाह के रसूल की बड़ी सख्त वाईद आई है। वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, और ये वो लोग हैं जो ज़ूर के करीब भी नहीं जाते। ला यशहदून ज़ूर यानी कि उससे जितना मुमकिन हो सके उससे दूर रहते हैं। وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, और यहाँ तक कि कोई लघु बात भी सुनते हैं या उसको महसूस करते हैं तो वहां से चले जाते हैं अपना दामन बचा के। وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, वहां भी मोमिनीन की सिफात बताते हुए क्या बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, कि मोमिनीन तो वो होते हैं जब कोई भी बात को सुनते हैं लघु बात को, अरदू अन, उससे बच निकलते हैं, उससे एराज करते हैं। वकालू लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और फिर ये कहते हैं कि हमारे अमाल हमारे साथ है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ है। इसी तरह इसी लघु में आजकल के फितने भी बहुत सारे आते हैं। इंसान कोई फितना देखता है, कोई चीज देखता है, तो कोशिश करनी चाहिए अगर उसका उस बारे में इल्म नहीं है, बेमाना कोई आलम दीन नहीं है वो, अगर कोई आम आदमी है तो उस फितने से एराफ करे, उस फितने से दूर रहे और उलमा कराम के साथ रहे। क्योंकि हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है ना कि जब भी कोई फितना नाजिल होता है तो सबसे पहले जानने वाले वहाँ के उलमा होते हैं, तो इसलिए चाहिए हमें कि उलमा के साथ रहें। और वो आगे अपने कौल में फरमाते हैं कि जब वो फितना तमाम अपनी बर्बादियाँ करके निकल जाता है तब जाके आम्मी को पता चलता है, अवामुन नास को पता चलता है कि ये तो फितना था जिसमें हम गिर गए थे। तो इंसानों को चाहिए कि कौल ज़ूर अमल ज़ूर, जो भी ऐसी बातें हैं फितने वाली, उससे दूर रहे, उलमा किराम के साथ रहे, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महफूज रहेगा। वल्लज़ीन इज़ा ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ, अच्छा बस यहाँ तक इक्तिफा करते हैं, इंशाल्लाह ज्यादा हो गया, अब थोड़ा सा पीछे से मुराजा कर लें, तो वापस पीछे से खोल लें ताकि एक दफा हमारी याद ध्यानी हो जाए कि सबसे पहली निशानी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, व इबादुर रहमान यमशून अलल अर्द हौनन, बावका तरीके से चलते हैं, व इजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, दूसरी क्या थी, जब जाहिलीन के साथ उनका वो होता है तो सलाम करते हुए गुजर जाते हैं, वल्लजीन यबीतून लरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अपनी रातों को उस तरह गुजारते हैं इस हालत में के सजदा करते हुए और क़याम की हालत में, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, क्या मुराद है, जहन्नम की पनाह मांगते रहते हैं, जहन्नम की पनाह मांगते रहते हैं, बिल्कुल रातों के क़याम और सुजूद के साथ साथ ही जहन्नम का क़याम इसी इनमें भी मांगते रहते हैं,
जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाने एक हदीस कुदसी में कि जब रात का आधी रात गुजर जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं। किस तरह नाजिल होते हैं? हाँ, कैफियत मालूम नहीं है। उस तरह नाजिल होते हैं जिस तरह उसके लायक है, उसके शान है, शान है। हमें उसकी कैफियत नहीं बताई गई, तो हमें जितना बताया गया है हम उसी पे इक्तफा करेंगे। यहाँ वही फिर अबूदियत का आ गया कि यहाँ आपको दिमाग लड़ाने का ना सवाल पूछने की इजाज़त है, आपको सवाल पूछने की भी इजाज़त नहीं है कि कैफियत किस तरह है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, नहीं, और ना आपको दिमाग लड़ाने की इजाज़त है। आपको जो मकसद बताया गया है इस हदीस का, जो मकसद है उस मकसद को लें। यह है ना, क्या नाम है, लघु लहब में नहीं पढ़ते, वो फालतू बातों में नहीं पढ़ते कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल, आपका काम ही नहीं है। आपको ये बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं, क्यों नाजिल होते हैं वो आगे बताया गया, उस पर कोई नहीं पढ़ता। क्यों नाजिल होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन निदा लगाते हैं कि क्या हल मिन मुस्तगफिरिन अग़फिरुलह, कि क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे, दिन के दौरान रात के दौरान उसने कोई गुनाह किया मुझसे माफी मांगे तो मैं उसको माफ करूं, क्या कोई है जो मुझसे दुआएं करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, क्या कोई है जो मुझसे कोई चीज चाहता है मैं उसकी वो दुआ कबूल करूं, उसको वो चीज अता करूं। तो जो मकसद बताया गया वो उस पर नहीं लगते और फालतू बातों में लगे रहते हैं। तो ये मकसद है हमारी जिंदगी का, हमें ये मकसद बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे नाजिल क्यों होते हैं, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। इतना बेहतरीन मौका होता है कि आपके पास कोई कोई आपको बीमारी है, कोई आपको कोई चीज चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद वो कायनात का बादशाह खुद बुलाता है, कितना उसको अपने बंदे से प्यार है। खालिक अस्समावात वल अर्द, हमें जिसने पैदा किया, हमें जो हर रोज रिज़्क देता है, हर रोज हमारे मामलात को जो सुधारता है, वो खुद हमें बुला रहे हैं। इतने करीब हमसे, हमसे पहले ही करीब है, वो करीब है हमसे पहले ही। लेकिन ये मोहब्बत की अलामत है कि बंदे को बोलना कि मैं आसमानी दुनिया पे आ जाता हूँ और करीब आ जाता हूँ, तो तुम मांगो मुझसे, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसकी मांग को पूरा करूं। कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करता है, और एक हम है जो मकसद है उसको छोड़ के फालतू बातों में पड़े रहते हैं। तो ये मोमिनी की सिफात नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम हमारे मोमिनी की सिफात में ये नहीं चीज शामिल होती। कोई आपसे ऐसे बात भी करे तो उसको ये कायदा बताते कि भाई कायदा क्या है कि हम वहां दिमाग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नहीं बताया। हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया कि आसमान दुनिया पे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल होते हैं, बस होते हैं। किस तरह होते हैं अल्लाह आलम, जिस तरह उसके शायन शान है। ठीक है, असल मकसद क्या है, उसकी तरफ आओ। वो मकसद क्या है कि लवाजों को उठा करो, रो रो के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करा करो। हमारे सलफ का यह मामूल हुआ करता था कि हमारे सलफ सालिहीन जो है वो रातों को उठते थे, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ उठ के दूसरे सहाबा किराम के हुजरे के बाहर खड़े रह के कुरान सुनते थे। उनका कितना उनका मामूल होता था, फिर सुबह बताते थे कि तुम इतनी अच्छी किरात कर रहे थे और तुम ये कर रहे थे, तुम ये कर, कितना अच्छा उनका मामूल था। रातों को उठते थे, इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तिलावत कुरान करीम करते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोते थे। तो ये मकसद है बताने का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नजदीक इसलिए आ जाते ताकि तुम ये काम करो, लेकिन लोग उसको नहीं करते और फालतू बातों में पड़े रहते। तो ये मकसद है यहाँ बताने का। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि उनकी रातें किस तरह गुजरती हैं? सुज्जदन व क़ियामा, ठीक है, ये चौथी हो गई। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआएं करते रहते हैं। टाइम ज्यादा हो गया, वरना एक किस्सा याद आया था, वो इंशाल्लाह अगली दफा कोई सुनाऊंगा, बड़ा जबरदस्त किस्सा है। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा सा'अत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अन्फ़क़ू, ये कौन सी निशानी हुई है? पांचवी, ठीक है, ये छठी है, ये पांचवी है। लम युसरिफु व लम यक्तुरु, ठीक है, ठीक है, इसको वैसे एक ही में करें, इसराफ भी नहीं करते और बीच वकान अबैन दैलिक क़वाम, ये असल जो है कि इन दोनों के दरमियान में रहते हैं। ठीक है, वल्लज़ीना ला यदउना मअ अल्लाह इलाहन आखर, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को पुकारते नहीं है, किसी और को शरीक नहीं करते। वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और किसी मासूम शख्स का कत्ल नहीं करते। वला यजनून, और जिना से भी दूर रहते, ये हमारे से निकल गया शायद, वला यजनून इस पर भी बात हो सकती थी। वमन यफअल ज़ालिक यल्का अथामा, बेशक ये जो करेगा वो अपने ऊपर बड़ा ही एक
बड़ा एक गुनाहों का बोझ लाद देगा। ये कितनी सिफात हो गई टोटल? 9 सिफात की। अच्छा, अल्लाह वालम, इसके अलावा इसके हिसाब से तो नहीं आता। अच्छा सही, ठीक है। तो असल बात ये कहने का मकसद ये कि ये सिफात को याद रखें इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये 7 सिफात को कहीं नोट कर लें अलग से, ठीक है। एक एक करके इसके ऊपर अमल करना है हमें। अब हमारे ऊपर ये हमारे हाथ में है कि हम इस हदीस के किस पहलू में आना चाहते हैं। अल कुरान हुज्जतुल्लका अव अलैक, दो ही मामले होंगे क़यामत के दिन। या तो ये कुरान करीम आपके खिलाफ गवाही देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसने मुझे पढ़ा, मुझे समझा, फिर भी मेरे ऊपर अमल नहीं किया, और या फिर आपके हक में गवाही देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसने मुझे पढ़ा भी, मुझे समझा भी, लिहाजा तू इसको बख्श दे, और मेरे ऊपर अमल भी किया लिहाजा तू इसको बख्श दे। तो ये अब हमारे हाथ में, हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। अब जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हमने ये पढ़ा, जिसका फ़ायदा हम खुद उठा सकते हैं, वो है अमल। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक ये नामुकम्मल है ये चीज़। तो इंशाल्लाह इसको कोशिश करें अगले 24 घंटे के अंदर, अगली क्लास तक इंशाल्लाह ये 7ों के ऊपर अमल करके दिखाने, ठीक है ना। कोशिश करिए 7ों के ऊपर अमल करके दिखाने अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह अगली क्लास तक। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जज़ाकुम अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल तो नहीं? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।